हमास के हमले पर शहबाज शरीफ का भी बयान आया है। इंडिया कहता है जी कि हम अपने ब्रह्मोस मिसाइल भेजना चाहते हैं ताकि हम जो इजराइल है हमास को सबक सिखाए। The United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need and they can continue to defend themselves. Israel and India, ये दोनों समझते हैं that both of these countries have to face a Muslim resistance, so we need to, जिसे कहते हैं ना, कम्प्लीटली इनको एक एलिमिनेट कर देना चाहिए। आप जानते हैं कि इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया और इजराइल एक दो ऐसे साथी जो हमेशा से करीब खड़े हुए नजर आए। Let me say this as clearly as I can. This is not a moment for any party hostile to Israel to exploit these attacks to seek advantage. अब हमारे पाकिस्तान में भी यही है जनाब, नहीं जी अल्लाह अकबर और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई व्हेन यू गेट इनटू द वॉर यू हैव टू, या तो आपके ऊपर वॉर इम्पोज हो, आपके ऊपर वॉर इम्पोज नहीं हुई, आपने उल्टा उठ के सवेरे सवेरे आपने हमला कर दिया उनके ऊपर। जारी बात है, आई अंडरस्टैंड द पैलेस्टिनियंस हैव सो मेनी कंसर्न्स। नेतन्याहू ने यूएन की स्पीच के अंदर जो है उन्होंने सारा गजा और वेस्ट बैंक उड़ा दिया, उन्होंने कहा असियां होने थे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। पाकिस्तान की मीडिया के अंदर ये खबर चल रही है कि इसराइल और हमास जो आतंकवादी संगठन है उनके बीच में जो इस समय नई वॉर शुरू हुई है उसको लेकर यहाँ पर पाकिस्तान की मीडिया खबर चला रहा है कि भारत जो है इसराइल की मदद के लिए अपना जो ब्रह्मोस मिसाइल है, जो दुनिया का सबसे ख़तरनाक मिसाइल है, वो इसराइल को दे सकता है। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। चले वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं तो इस चीज़ का वो जो जैसे कहते हैं ना कि दाई हूँ कि ये जो हमास ने जो वायलेंस शुरू किया है इनको नहीं करना चाहिए था। देखें, एक है इसराइल की ऑक्यूपेशन, एक है इसराइल के जुल्म, वो अपनी जगह पे खड़े होते हैं और उनको जारी बात है कंडेम किया जाना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मुसलमान कब सीखेंगे, और अगर सऊदी अरब कोई नॉर्मलाइजेशन करना चाह रहा था तो उन्होंने आगे से इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको छेड़ के एक नई जिसे कहते हैं ना जंग शुरू कर दी है, जिसका जारी बात है इतना कोई नुकसान होगा कि ये शायद किसी से वो जिसे कहते हैं ना ये कंट्रोल ही नहीं होगा। अच्छा, अब पोजीशन ये है कि जो पोजीशन सामने आ रही है हमारे कि 200 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जो हैं उनकी जानें चली गई हैं, 1600 से ज़्यादा जख्मी सुना हो चुके हैं, और ये है पोजीशन। हम जो हमास है वो कहती है कि आपको पता है हमास एक इसको मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया गया है, गो के बहुत सारे लोग कहते हैं जो वहाँ के लोकल्स हैं वो कहते हैं कि इट्स रेजिस्टेंस फोर्स। सारे का सारा जो मिडिल ईस्ट है वो एक दफ़ा फिर परेशानी में जो है वो आ चुका हुआ है। ठीक है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है, अगर आपने 50 या 100 फलस्तीनियों को इसराइलियों को मार लेंगे और उसके बाद आप 200 400 500 700 फलस्तीनी मारे जाएं और आपका अरबों करोड़ों का नुकसान हो जाए तो वो कि इस चीज़ से क्या मतलब है, ये क्या इस चीज़ से क्या आप डिपिक्ट करना चाहते हैं। इंडिया कहता है जी कि हम अपने ब्रह्मोस मिसाइल भेजना चाहते हैं ताकि हम जो इसराइल है हमास को सबक सिखाए। अब देखें, इट्स नॉट सो सिंपल, ये कोई इतना सिंपल नहीं है। दिस इज नॉट एन, I don't consider this as an Arab Israel Palestine. This is basically being looked at Jew and Muslim war भी इसको आप कह सकते हैं। ये Jewish and Muslim की भी war है, ठीक है, और ये उसी base के ऊपर सारे मुसलमान जो हैं वो इकट्ठे होते रहे माजी में और ये सारी चीज़ें चलती रही। अब देखें कि ये अगर for example, जारी बात है इंडिया अपने ब्रह्मोस मिसाइल चाहता है हालात को गरमाने के लिए, माहौल को गरमाने के लिए, लेकिन जारी बात है उन्होंने कोई भेजने तो थोड़ी हैं इस हवाले से, लेकिन उनकी जितनी अच्छी दोस्ती है इसराइल के साथ, इसराइल अगर चाहे तो वो कहेंगे हाँ जी ठीक है। और लेकिन बिकॉज इसराइल एंड फलस्तीन दोनों ये समझते हैं, सॉरी इसराइल एंड इंडिया ये दोनों समझते हैं दैट बोथ ऑफ दीज कंट्रीज हैव टू फेस अ मुस्लिम रेजिस्टेंस, सो वी नीड टू, जिसे कहते हैं ना, कम्प्लीटली इनको एक एलिमिनेट कर देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब ने एक जो एफर्ट शुरू की थी उसको आगे चलना चाहिए था। ये जिन एक्टर्स ने भी इसको हालात को ख़राब करने की कोशिश की है, ठीक है, उन्होंने बड़ी ज्यादती की है। अब होगा यही कि इसराइल जो है वो दोबारा कोई करेगा तो हालात फिर ज़्यादा मारेगा, उनके पास ताकत है, इंटरनेशनल सपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस है, सिक्योरिटी काउंसिल है, वो आपको उड़ा के रख देंगे। अगर 2020 में जो यूएई ने नॉर्मलाइजेशन करने की कोशिश की थी बहरीन और इनके साथ इसराइल के साथ, ठीक है जी, तो जैसे वो कहते हैं ना इजिप्ट, और इजिप्ट ने 1979 में रिकगनाइज कर लिया, जॉर्डन ने 1994 में कर लिया, फिर यूएई और बहरीन सामने आ गए, उन्होंने भी रिकगनाइज शुरू कर लिया,
इब्राहिम अकॉर्ड इसका नाम दिया गया था, और इसके बाद अब इंडिया सऊदी अरब भी बीच में आ गया था, ठीक है जी, और फिर चीजें बहुत ज्यादा बेहतर होनी शुरू हो गई थी। लेकिन अब आप देखें कि अब सऊदी बड़ा अच्छा कदम लेने लगे थे और हमें ऐसे लग रहा था कि चीजें बेहतर होंगी, बट आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद दिस माइंडसेट विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड दैट वी नीड टू गो फॉर कन्फ्रंटेशन। आप बिल्कुल कन्फ्रंटेशन करें, आप करें, पहले आपने घोड़े तो तैयार कर लो भाई, आपके पास घोड़े ही नहीं है, आपके पास बंदूक ही नहीं है, आपके पास असला ही नहीं है, घोड़े से मुराद 21st सेंचुरी में ये है टू हैव अ कटिंग एज वेपनरी। यू जस्ट कैन नॉट गो बेयर हैंडेड विद एंड फाइट विद 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 द हाई विद कटिंग एज मिलिट्री टेक्नोलॉजी विद द इजराइलीज हैव, आप ऐसे थोड़ी जा सकते हैं। अब हमारे पाकिस्तान में भी यही है जनाब, नहीं जी अल्लाह अकबर और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भाई व्हेन यू गेट इनटू द वॉर यू हैव टू, या तो आपके ऊपर वॉर इम्पोज हो, आपके ऊपर वॉर इम्पोज नहीं हुई, आपने उल्टा उठ के सवेरे सवेरे आपने हमला कर दिया उनके ऊपर, जारी बात है। आई अंडरस्टैंड द पैलेस्टिनियंस हैव सो मेनी कंसर्न्स, नेतन्याहू ने यूएन की स्पीच के अंदर जो है उन्होंने सारा गजा और वेस्ट बैंक ही उड़ा दिया, उन्होंने कहा असियाँ होने थे सारे, ठीक है, दैट वॉज वेरी प्रोवोकेटिव एंड दैट वॉज अ वायोलेशन ऑफ द फंडामेंटल रेजोल्यूशन एंड फंडामेंटल चार्टर ऑफ द यूएन जनरल असेंबली, एंड उन्होंने उधर खड़े होके तो उनका मैप खत्म कर दिया। तादाद में कम होना मैटर नहीं करता, हैविंग अ लॉन्ग टर्म बिग मिशन। हमारे कुछ मुसलमान लीडर अपने आप को मुजाहिद जहादी करके लोगों को मरवा के और समझते हैं हम बड़े हो जाएंगे, ऐसे नहीं है। आप लंबा सोचें, आप 100, 200 साल, 400 साल का सोचें, दैट्स हाउ बिग कंट्रीज बिग पीपल थिंक। लोग आपको 10 सालों की गेम तो नहीं होती ना, ये 50 दिनों की गेम तो नहीं है, ठीक है जी। हमें ये भी पता चला है कि जो इसराइल का वो उनके पास जो क्या नाम है इसराइल, वो जो उनका डोम है क्या उसको बोलते हैं आयरन डोम, वो भी नाकाम हुआ है, इसराइल की इंटेलिजेंस भी नाकाम हो गई है, और उन्होंने इसराइलियों को टफ टाइम काफ़ी ज़्यादा दिया है। बट मुझे जो फिक्र होती है वो ये होती है दैट दैट द पीपल विल गेट किल्ड इन बिग नंबर, उसका फिर क्या करेंगे आप, फिर कहेंगे फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाएंगे, नहीं इसराइल को खामोश कराएं, इनको बंद कराएं, इनको कहें ऐसे ना करें प्लीज, ये जुल्म है, ये ज्यादती है, ठीक है जी, ये जुल्म है, ये ज्यादती है। और अभी देखें इसराइल इंडिया से और पूरी दुनिया से कई जगहों से आवाजें नहीं करी हैं जी, इसराइल जो है वो अंडर अटैक है, सिविलियंस मारे जा रहे हैं, लेकिन जो सिविलियंस फलस्तीन में मारे जाएंगे उनके बारे में कौन बोलेगा भाई, कोई भी नहीं बोलेगा। क्या इंडिया अपना ब्रह्मोस भेज सकता है? अभी वो मैं देख रहा था कुछ ट्वीट्स जो हैं इंडिया के अंदर की जा रही हैं, और उन्होंने कहा जी कि हम जो है वो हम तैयार हैं भेजने के लिए, और आप जो है वो जो इजरायली डिफेंस फोर्सेज है दे शुड नॉट शो एनी मर्सी, और ख़त्म कर दें हमास को, बेसिकली ये दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट, ये अपने लिए ही हमास एक प्लान ले करने जा रही है, अपने लिए ही एक मुश्किल जो है वो पैदा करेगी, ठीक है। और उसका नुकसान क्या होगा वो मैं तो कहता हूँ, ये मोहम्मद बिन सलमान की जो एक स्टेटमेंट थी ना कि एवरी डे वी आर गेटिंग क्लोजर, उसने बेसिकली पकड़ के तो मुसलमान उसने पकड़ के इस जंग को शुरू कर दिया। एक वक्त था पाकिस्तान में बड़े मुजाहरे हुआ करते थे फलस्तीन के लिए, अब नहीं होते, अब सियासी जमातें सड़कों पर नहीं निकलती, अब मजहबी जमातें सड़कों पर नहीं निकलती, अब चीज़ें बड़ी बदल गई हैं, और मुझे समझ नहीं आती कि हम कब सीखेंगे यार, हम कब सीखेंगे, कब वक्त आएगा, सानू अक्ल आएगी कि हमें अगर आप मुसलमान हैं, आप थोड़े हैं, आपके पास वेपन नहीं है, इकॉनमी नहीं है, ट्रेड नहीं है, आपके लोग पढ़े नहीं है, आप वेस्टर्न यूनिवर्सिटियों से तालीम नहीं हासिल कर रहे, आपकी यूनिवर्सिटियाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नहीं है, पहला वो तो बना लो, पहला अपने मुंडियों को बंदूक दे के क्यों मरवाने हो, आप पहले अपने लोगों को इक्विप देम विद एजुकेशन, इक्विप देम विद टेक्नोलॉजी, इक्विप देम कि वो अपने लोगों को ट्रेन कर सकें, नॉट के आप जो है वो देखें आज चाइना इतना ऊपर चला गया दैट द अमेरिकंस हैड टू से दैट वी हैव टू डी रिस्क आवर सेल्फ, डी रिस्किंग की बात हो रही है, मतलब कि हमें चाइना के हाथ में क्रिटिकल टेक्नोलॉजी नहीं लगने देनी, दिस इज व्हाट दी दे आर सेइंग, ठीक है। सो इट मींस कि ये जंग डिफरेंट लेवल की है, कभी वो डीकपलिंग की, दैट इज बेसिकली अमेरिकन टेंशन है ना, कभी डीकपलिंग की बात करते हैं, कभी डी रिस्किंग की बात करते हैं, क्यों, बिकॉज दे हैव सीन अ पोटेंशियल राइवल इन फ्रंट ऑफ देम। चाइनीज कहते हैं नहीं नहीं हम दुनिया में अपना कोई ऑर्डर नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं चाइनीज, आई वॉज लिसनिंग टू अ चाइनीज स्कॉलर द अदर डे, उसने कहा हम देख रहे हैं कि द वर्ल्ड जो वर्ल्ड ऑर्डर कलेप्स करेगा उससे हमें अपने आप को कैसे बचाना है, वी आर नॉट इन अ रेस टू मेक टू बिल्ड अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, खैर वो एक और चीज़ है, बट वी यू हैव टू बी समवन जिसको दुनिया देख के रश करे, नॉट दैट यू शुड हैव अ गन इन योर हैंड। एक 18 साल 22 साल के लड़के के हाथ में गन नहीं होनी चाहिए, उसके हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, उसके हाथ में AI के इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए ताकि वो अपने मुआशरे को बेहतर कर सके, एंड देन यू कैन फाइट अ वॉर विच इज़ अ लॉन्ग टर्म, विच इज स्टेबल, विच कैन विन जनरेशंस, ठीक है। ये नहीं है कि पाकिस्तान नहीं तो इसराइली तो फलस्तीनी मुंडे कभी किधरों पड़े जान डे दहशतगर्दी कर लगे हैं, कभी किधरों पड़े, दैट्स नॉट हाउ यू फाइट, दैट्स अ डिफीटेड माइंडसेट जो इन लोगों का है। कौमें ऐसे नहीं लड़ती, बड़ी लोग ऐसे नहीं लड़ते, दे फाइट इन अ डिफरेंट वे। माय ओनली कंसर्न इज दैट पीपल विल गेट किल्ड एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड, एंड इसके इम्प्लीकेशन मिडल ईस्ट विल बर्न मोर, और एक हर तरफ जो है ना हालात खराब हो जाए। तो आई होप दोस्तों
आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें ना, तो इस वीडियो में पर्टिकुलर बात की गई है इज़राइल और जो फ़लस्तीन है, जो गाजा पट्टी है, उसकी तरफ से अभी हाल ही में जो नई लड़ाई शुरू हुई है वहाँ पर, और काफ़ी ज़्यादा रॉकेट बताए जा रहे हैं कि 10-15 मिनट में ही लगभग 5 से 7 हज़ार रॉकेट जो है ना इसराइल के ऊपर दाग दिए गए, जिससे कि इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम वो भी फेल कर गया उसके सामने। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब इतने सारे रॉकेट इतने कम समय में जब किसी के ऊपर दागे जाएंगे, तो फिर जो है ना आयरन डोम भी जो है वो यहाँ पर सभी रॉकेट जो थे उनको ख़त्म नहीं कर पाया, और कई सारे रॉकेट जो है ना इसराइल के शहरों में जाकर गिरे, वहाँ पर कुछ लोगों की मौत भी हो गई और गाड़ियों में आग भी लग गई, और थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है ना बताया जा रहा है कि इसराइल को भी नुकसान हुआ है। इसके अलावा हम वीडियो क्लिप देख रहे हैं कि जो इसराइल की जो फेंसिंग थी उसको भी JCB के थ्रू जो है ना तोड़ दिया गया और अंदर घुस गए, और भी कई सारी वीडियो देखने को मिल रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो पर्टिकुलर बात की गई इस वीडियो के अंदर वो ये थी कि पता नहीं पाकिस्तान की मीडिया में खबर कहाँ से आई, जैसे कि आपने देखा कि कमर चीमा जो पाकिस्तान के पत्रकार है वो बात करते हुए दिखाई दिए, कि यहाँ पर बात ये की जा रही है कि भारत जो अपना ख़तरनाक मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल वो यहाँ पर जो है ना दे सकता है इसराइल को। अब देखिए ऑफिशियल तौर पर तो गवर्नमेंट की तरफ से तो यहाँ पर कोई भी खबर निकल कर नहीं आई है, लेकिन ये खबर ज़रूर चल रही है कि भारत जो है ना भारत की तरफ से ऐसी बात निकल कर आई है कि वो इसराइल की मदद के लिए जो मिसाइल है वो दे सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल तौर पर कोई बयान नहीं आता है, तब तक तो हम ऐसी किसी भी खबर पर जो है ना यकीन नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।